मशीन चलने जा रही है, ये देखो। तो अभी चलते हैं और चावल की क्वालिटी आपको दिखाएंगे। भाई ये देखो जाली, ये वाली टूट गई थी, ये देखो जाली बिल्कुल टूट गई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करते हैं एक और नए व्लॉग में। अभी सुबह के बज रहे हैं 8। आज जाना है थोड़ा अपना खेत बराबर करना है। आज का व्लॉग रहेगा कि अभी बूढ़े बादशाह को लेकर निकलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं भाई, अभी है मशीन जुड़ी हुई, ये देख। मशीन खोलने के बाद इसमें जोड़ते हैं हम करहा, उसको लेके निकलेंगे खेत में। कि जो सरकारी वाला लट्ठा होता है वो लगा था तो खेत उथल पुथल हो गया, तो उसको करेंगे बराबर। बाबा भी अपना ट्रैक्टर लेके अभी निकल ही रहे हैं, ये देखो। इधर खड़ा है हमारा पाले सर ट्रैक्टर। हम जाने वाले थे खेत बराबर करने, तो अर्जेंट यार एक भैया का कॉल आ गया कि धान कूटना था, थोड़ा उनको कहीं बाहर जाना है। बूढ़े बादशाह को लेके चाचा धान कूटने चले गए हैं, तो जैसे वहां से आते हैं तो आज हमको अपना खेत बराबर करना है, क्योंकि वो लट्ठा जो बन रहा है ना भाई, सारा खेत उथल पुथल कर दिए हैं। सीजन चल रहा है भाई खेत जोतने के समय, तो देख सकते हो ये ट्रैक्टर भी निकल रहा है। और इधर ही हमारा छोटा बादशाह खड़ा रहता है, उधर रहता है सिकंदर। तो सिकंदर और छोटा बादशाह आज एकदम सुबह ही निकल गए, बूढ़े बादशाह को लेके चाचा धान कूटने निकल गए, क्योंकि वो अर्जेंट कॉल आ गया था। और ये देखो जाली, अभी फोन किए पापा की जाली टूट गई है, तो जा रहा हूँ भाई जाली देने। गाइस जैसे हमारा मेन काम है धान कुट्टी का ही रहता है, पहले सर चलता है धान कुट्टी चलती है। इधर देख सकते हो भाई पूरा धान ही धान है, तो अभी सीजन चलने वाला है, धुआंधार ट्रैक्टर चलता है, तो जाली देने जा रहा हूँ और देखते हैं कहाँ टूटी हुई। गाँव से 8-10 किलोमीटर दूर चले गए थे भाई, जब भी हमारे तरफ की रोड बनना स्टार्ट हो गई है। पहले ये रोड बहुत खराब हुआ करती थी, अभी काम चालू है आप देख सकते हो। तो ट्रैक्टर है गढ़ा में, तो गढ़ा पहुंच रहा हूँ तुरंत। आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है, अभी थोड़ी दूरी पे और है, पहुंचने ही वाले हैं। आज का धूप भी बहुत तड़का धूप है भाई, और रास्ता की मत पूछो भाई, गाँव देहात में लोग कितना परेशान है भाई, ना तो रास्ताएँ सही हैं, बहुत दिक्कत है। देखो भाई छोटे छोटे गाँव हैं, हमारे गांव से 70-80 गांव लगते हैं। जाने वाले थे अपना खेत बराबर करने, लेकिन भैया अचानक फोन किए कि धान कूटने आ जाओ अर्जेंट है, तो उस चक्कर में चले गए और काम बहुत ज्यादा मिल गया है और जाली टूट गई है। तो अभी जा रहा हूँ जाली देखते, जाली बनवाने के बाद फिर देखते हैं कितने समय तक वापस आएंगे। भाई इधर जंगल का एरिया ज्यादा है, हमारे तरफ जंगल बहुत ज्यादा घना जंगल पाया जाता है, देख सकते हो आगे की सीन। देख लो भैया रास्ता, अरे बाप रे मम्मी, रे मम्मी मम्मी। तो ये देखो भाई टूटी हुई है जाली, ये देखो जाली टूट चुकी थी, तो इसको बनाना है। ये देखो जाली अभी सिक हो गई, ये देखो जाली, ये वाली टूट गई थी, ये देखो जाली बिल्कुल टूट गई थी। ये साइड से टूटती है क्योंकि साइड में दबाव रहता है और साइड से ही घिस के ख़त्म हो जाती है। काफ़ी पुरान जाली भी थी, तो अभी ये देखो। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है इधर का, इधर देखो भाई दूर दूर तक धान ही धान है। ये पीछे से वो बोल्ट ढील कर दी, बोल्ट ढील करूँगा ये ढीले है, ढीले है, लगी 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 तो भाई। अभी का सीन आया था, ये देखो भाई इधर जब जाली वाली टूट जाती है तो साथ में जाली रखते नहीं, घर से ही लाना पड़ता है। रोलर पूरा मंसूरी दाना मिल गया है ना, तभी यार टूटी। अभी जाली फिट हो गई है और अभी 7-8 क्विंटल के आसपास है। ये देखो जाली बढ़िया से फिट कर दिया गया है, चीरा पार्टी भी कट गया, ये अपडेट कर इसको कुछ ऐसा। इधर ये जो सामने घर है इन्हीं का धान है, ये रखा हुआ है, अभी देखो ये अकेला घर है ये। और ये है हमारा बूढ़ा बादशाह, ओल्ड बादशाह, ये ओल्ड बादशाह है ये, इसका नाम मैंने रखाया है बूढ़ा बादशाह। ये देखो
होगा काफ़ी तेज आज हवा भी चल रही है और बारिश का मौसम बन रहा था, लेकिन बारिश होगी नहीं। मोबाइल तो बताता ही रहता है बारिश। भाई जाली कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसको बांध दिया जाए, नहीं कस दिया जाए तो ये रेडी हो जाएगी। ये अभी देखना है थोड़ा और सेटिंग कि जाली तो नहीं, वो देखो खुली हुई है जाली, ये देखो इसी तरह चेक करना होता है। रख दिया तो अब देखो कंप्लीट हुआ है। ये भी देखना था, इसको भी खोल के रखा हुआ है। ये देखो खोला था ना, इसको भी टाइट करना पड़ेगा और ये सारे बोल्ट को सही से टाइट कर दिए गए। अभी ये कंप्लीट है भाई, ये देखो अब पत्ती लगेगी, पत्ती लगने के बाद ये कंप्लीट है एकदम, अब ये चलने के लिए रेडी है। तो इसको ये देखो पत्ती लग रही है, यही होता है मेन पत्ती का काम, चावल को फ्रेश करना और एकदम वेस्ट निकालना। देखो अभी अभी आपको दिखाएंगे चावल, जब ये चलने लगेगी तो आपको चावल दिखाएंगे कितना वेस्ट निकालेगी, ठीक है। और ये है हमारा बूढ़ा बादशाह, इसका नाम मैंने रखा दिया बूढ़ा बादशाह, और आइसर 333 का नाम मैंने रखा है छोटा बादशाह, ठीक है। तो ये देखो, तो ये अंकल जी भी आए, इनका भी था, तो ये बोल रहे थे कि अभी हमारे तरफ गए या नहीं। मशीन चलने जा रही है, ये देखो, तो अभी चलते हैं और चावल की क्वालिटी आपको दिखाएंगे। भाई रास्ता ख़राब होने की वजह से कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है इधर, लेकिन रास्ता बन रही है, काम शुरू है। टम्फर इधर आया, बालू लेने गया होगा, हमारे तरफ बालू भी निकलती ना इधर। ये देखो गाइज रेडी हो गई ना मशीन, अब करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं आपको बेस्ट चावल। चलो दिखाते हैं जी, चलते हैं गाइज, दिखाते हैं आपको चावल की क्वालिटी, क्योंकि वो देखो ट्रैक्टर हमारा चल रहा है, तो दिखाते हैं पहुंच के कि जाली टूट चुकी थी, नई जाली लगी है, नई जाली लगने के बाद कैसा चावल निकल रहा है। चलो जी दिखाते हैं, देखो चावल बढ़िया बेहतरीन। क्या बेस्ट चावल है, देखो नीला धान है, ये बन गया बच्चों, नीला धान है इसीलिए बन रहा है, इसीलिए कुछ तोड़ भी रहा है, अगर ये गीला ना होता तो भाई और बेस्ट निकलता, लेकिन नीला धान है भाई इसीलिए हल्का फुल्का तोड़ रहा है, अगर गीला ना होता तो और बेस्ट निकलता, लेकिन फिर भी चावल देखो सही निकल रहा है। एक 10-10 क्विंटल के आसपास और बचा है, तो अब मैं चलता हूँ घर, क्योंकि घर में भी कोई नहीं था। हम जा रहे थे घर तब तक चाचा भी आ गए, ये देखो बूढ़े बादशाह को लेके ये आ रहे हैं। भाई हम जा रहे थे घर, लेकिन थोड़ा दुकान मिली तो कुछ खरीदने लगे, तब तक आ गए ट्रैक्टर। तो देखो ये फुल हो चुका है, और अभी धान कूटना था और लोगों का है, इसीलिए इसको थोड़ा पिछेल दिया जाएगा, तो कुछ ना कुछ इसमें अभी आ जाएगा। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे, इधर देखो दुकान है कुछ खाने पीने के लिए, तो यहीं मैं रुका हुआ था तब तक आ गया गाड़ी ओल्ड बादशाह को लेके। ये देखो तो कुछ ना कुछ तो अंदर खाली हो जाएगा, तो जो भी होगा 2-4-6-10 बोरी तक आ जाएगा इसमें। गाई जा चुके हैं घर, और बूढ़ा बादशाह भी अभी आ जाएगा, अभी तो सब खाली है, सब अपने अपने कार्य पे हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा। गाइस ये देखो अभी अभी चाचा लोग आए हैं, ये देखो बूढ़े बादशाह को लेके आ गए हैं, तो आज पूरी टंकी फुल हो गई होगी, काफ़ी काम मिला था इसका, देख रहे हो। ये देखो अभी अभी जस्ट आए हुए हैं, ये देखो भाई आज हम देखो देखते हैं, हमारा बहादुर आ चुका है, हमारा बूढ़ा बादशाह आ चुका है। इसको बैक किया जाएगा, बैक करने के बाद ये अपने स्थान पे, यहाँ पे इसका स्थान यहीं लगेगा, अपने स्थान पे खड़ा हो जाएगा, और यहीं पे इसको खाली कर देंगे वहाँ पे। आ गया पूरा बात।